राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि फोर्स गुरखा की नई जनरेशन को पहली बार 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और ये ऑफ रोड एसयूवी लोगों को इतनी पसंद आई और इसने अपनी तरफ लोगों का ध्यान इतना खींचा कि लोग इसका गाड़ी का बेसब्री से जब से ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो कि कोरोना हेल्थ क्राइसिस की वजह से इसकी लॉन्चिंग में काफ़ी देरी हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसे अब जल्द ही आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी कंपनी ने हाल ही में इसका एक टीजर रिलीज किया है जिसमें उसमें कंपनी ने लिखा भी है कि कमिंग सून। इसका मतलब ये है कि अभी ये गाड़ी जल्द ही इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब भी कोई कंपनी कमिंग सून करके अपनी गाड़ी का टीजर रिलीज करती है तब उसे ये पता चल जाता है कि वो जल्द ही आने वाले एक महीने के अंदर अंदर उस गाड़ी को इंडियन मार्केट या फिर कहीं पर भी जहाँ से लॉन्च होना होगा वहाँ पर लॉन्च कर देगी। और दोस्तों, अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि थार के बाद एक यही ऐसी ऑफरोडर एसयूवी है जिसे कि काफ़ी पसंद किया जाता है। वैसे तो इसे इंडियन रोड्स पर कई बार टेस्टिंग के दौरान विदाउट कैमोफ्लोज भी देखा जा चुका है, यानी कि बिना ढके हुए इसे कई बार इंडियन रोड पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जहां से इसके डिजाइन के बारे में लगभग हमें सब कुछ पता चल ही चुका है। लेकिन फिर भी अगर बात करें इसके डिजाइन की, तो वैसे तो नई फोर्स गुरखा दिखने में आपको सेम पहले जैसी ही लगने वाली है, क्योंकि इसका डिजाइन और इसके प्रोपोर्शन ओवरऑल आपको पहले ही जैसे इसमें देखने को लगने वाले हैं। लेकिन इसमें आपको नई जनरेशन, जैसे कि अभी नई जनरेशन है, तो इसमें आपको कुछ कॉस्मेटिक अपडेट यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर इसके फ्रंट में आपको एक नया ग्रिल दिया गया है, जहाँ पर सेंटर में आपको फोर्स का लोगो मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको वही रेट्रो स्टाइल वाले आपको एकदम गोल एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आपको एलईडी डीआरएस की इसमें यहाँ पर प्लेसमेंट की गई है। और अगर बात करें इसके फ्रंट और रियर बम्पर की, तो ये भी आपको बिल्कुल रीडिजाइन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर इसमें आपको दोनों तरफ आपको फोग लैंप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा बोनट के ऊपर आपको मर्सिडीज जी वैगन की तरह ही इसमें आपको दो छोटी लाइट दोनों तरफ देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है और इसके डिज़ाइन में और चार चांद ऐड कर देती है। और साथ ही साथ इसमें आपको जगह जगह पर गुरखा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको ये एहसास दिलाती है कि एक टफ ऑफरोडर एसयूवी है। साइड की बात करें तो अब ये नॉर्मली एक ऑफरोडर एसयूवी रहने वाली है, तो इसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े व्हील आर्चेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके साथ आपको मोटे प्रोफाइल वाले टायर इसमें दिए जाएंगे। रियर टेल लाइट्स को इसमें रिवाइज किया गया है, जबकि इसके एक्सटीरियर में बाकी हाईलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील, हैवी ड्यूटी रूफ कैरियर, एक स्नोरकल भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है और आजकल आपको किसी भी दूसरी गाड़ी, यहाँ तक कि आपको थार में भी देखने को नहीं मिलता। अब अगर बात करें इसके इंटीरियर्स की, तो इसके इंटीरियर्स को अभी बिल्कुल अपग्रेड कर दिया गया है, जहां पर इसमें आपको एक नया डैशबोर्ड लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल देगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। अब इसके इंटीरियर की इमेज देखकर तो काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करके जरूर बोलेंगे कि मुझे इसका इंटीरियर लेआउट बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसका इंटीरियर पुराने जैसा लग रहा है। तो दोस्त, देखिए, एक ऑफरोड एसयूवी है तो इसमें आप और भी क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंपनी ने इसमें आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम ही दे दिया, एक वही बड़ी बात है। हालांकि इसका इंटीरियर इतना बुरा भी नहीं है अब, क्योंकि लोगों को जगह अपनी गाड़ी में जगह जगह पर सॉफ्ट टच मटेरियल और थोड़ी सी लग्जरी वाली फील देखने को मिल जाती है, तो उसकी वजह से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर गाड़ी में वो जरूर हो। लेकिन क्योंकि एक ऑफ रोडर एसयूवी है, तो इसमें आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली। खैर, बात करें इसमें मिलने वाले फीचर्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कंपनी ने अब एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दे दिया है, जिसमें कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी इसमें दे दी गई है। इसके अलावा इसमें आपको रिमोट डोर लॉकिंग, फ्रंट पावर विंडो और मैनुअल एसी इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा इसमें आपको सेफ्टी की बात करें तो कंपनी ने इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा है, जिसमें कंपनी ने इसमें आपको ड्यूअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, इसके अलावा इसमें आपको एबीएस विद ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स भी कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किए हैं। अब अगर बात करें फोर्स गुरखा में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की, तो देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि फोर्स गुरखा में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा 2.6 लीटर का एक डीजल इंजन, जो कि अराउंड 89 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। और ये इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही देखने को मिलने वाला है। अब क्योंकि एक ऑफरोड एसयूवी है, तो जिन लोगों को एडवेंचर काफी पसंद है, तो उनके लिए कंपनी इसमें ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम भी जरूर ऑफर करेगी। अब जहां तक बात है लॉन्च की, तो जैसे कि कंपनी ने अब इसका टीजर रिलीज कर दिया है, तो अब आप ये मान लीजिए कि इसे लगभग एक महीने के अंदर अंदर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और बात करें प्राइस की, तो इसका प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूं मैं, वो रखा जा सकता है 10 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए के बीच इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रखा जा सकता है। आपको क्या लगता है इसके प्राइस को लेकर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहां तक अगर वीडियो देख लिया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।